ओम नमः शिवाय जय महाकाल। आप सबको पता है कि 5 अगस्त को सावन की अष्टमी पड़ रही है और अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, आपका कोई ऐसा व्यापार है जो चल ही नहीं पा रहा, उस पर कस्टमर आ ही नहीं रही, या फिर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। बस आपको एक स्वास्थ्य का निर्माण करना है, कैसे करना है बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला काम आप लाइक कर दो, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। स्क्रीन पर कौन दिख रहे हैं, ये हैं भगवान श्री बजरंग बली, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान श्री हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, हनुमान जी कितने भाई थे, हनुमान जी के 6 भाई थे, ठीक है। हमको किसी और से कोई मतलब नहीं है, हमको इनके दूसरे नंबर वाले भाई से मतलब है, जिनका क्या नाम है, भगवान श्री गतिमान, ठीक। आपको क्या करना है, जो बजरंग बली है ना, मतलब कि हनुमान जी जो हैं, इनका जो लेफ्ट वाला पैर है, ये लेफ्ट वाला जो पैर है, उस लेफ्ट वाले पैर की सिंदूर आपको थोड़ी सी लेनी है। क्या लेनी है, अब देखो मैंने अपने हिसाब से लेफ्ट बताया है, यहाँ पे आप मंदिर जाना, जो भी आपके हिसाब से उनका लेफ्ट पैर होगा, बायां पैर होगा, बाएं पैर की सिंदूर आपको थोड़ी सी ले लेनी है, ठीक है। उस बाएं पैर की सिंदूर को लेकर के आना, और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, सामान नहीं बिक रहा है, तो आपके घर जो आपका ये दुकान है, इसमें एक गल्ला होता है जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, उस गल्ले पर आपको उसी सिंदूर से क्या करना है, स्वास्तिक का निर्माण करना है। क्या करना है, स्वास्तिक का निर्माण करना है, किसका नाम लेकर के, भगवान श्री गतिमान का नाम लेकर के अपने दुकान के गल्ले पर स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। और अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा आपके घर में टिकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, तो आपके घर में आप जहाँ पर भी अपने घर में पैसा रखते हैं, तिजोरी हो, आलमारी हो, उस तिजोरी या फिर आलमारी पर भी आपको उसी सिंदूर से भगवान श्री गतिमान का नाम लेकर के एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह उपाय आपको अष्टमी तिथि के दिन, बस एक ही बार आपको करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, समझाने की। भगवान श्री गतिमान का ध्यान करिएगा, याद रखिएगा, और आपका जो भी बिजनेस होगा, अगर पैसों नहीं आप घर में टिकते हैं, तो वो रुकना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश की है अच्छा बताने की। तो वीडियो पसंद आई और लाइक करिएगा, अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आया कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट में पूछना, मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।